जी, वो यहाँ बहुत काम पड़ा हुआ है, छोड़ के नहीं आ सकती। मेरी बहू को किसी काम में मेरी सहायता चाहिए। बच्ची है ना, किसी चीज को बनाने में मेरी जरूरत है। काम पूरा करके मैं खुद अपनी बहू को लेकर आऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी। आप लोग तब तक नाश्ता कीजिए ना। तो तुम यहाँ ये काम फैला कर बैठी हो, रोना धोना रूठना मनाना। ओके, देखना, मैं इससे कब से पूछ रही हूँ क्या बात है, और ये है कि रोए ही जा रही है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताती हूँ ना ये क्यों रो रही है। इसका दिमाग खराब हो गया है। अहम के मेहमान बाहर बैठकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये यहाँ रोने धोने का नाटक लेके बैठ गई है। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, या तुम ये सोचती हो कि पूरा दिन रसोड़े में घुसी रहकर तुम अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लेती हो। गोपी बहू, अतिथि धर्म भी बहू का कर्तव्य होता है, समझी गई? चल। नहीं माँ जी। चल मेरे साथ। नहीं। चल। भगवान, शू थई गयो छे अली तने, अक्कल वेची खाती छे। अब जा, जल्दी साड़ी बदल कर आ। अरे वो लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, जिनके साथ अहम बहुत जल्दी बड़ा काम शुरू करने जा रहा है। माँ जी, वो पूरा खाना बनाना। अरे खाना मणि बना लेगी, समझती क्यों नहीं हो? चलो। अरे तुम भूल गई हो क्या, तुम अहम की पत्नी हो और अहम के मेहमान तुम्हारे मेहमान हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी खातिरदारी करो, उनसे जाकर पूछो कि नाश्ता कैसा है और कुछ लाऊं। और एक तुम हो कि चल। क्या अगर वो जाना नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मोटा भाभी, क्या आपको ये सुनने का शौक है कि मेरे और मेरी बहू के बीच में मत पड़िए? तुम अपना पत्नी धर्म नहीं निभाना चाहती हो? नहीं चाहती हो? तो ठीक है, अयाच पड़ी रहे। खबरदार जो बाहर आई तो। माफ कीजिएगा, वो मैं आप लोगों से कहकर तो गई थी कि मैं अपनी बहू से आप लोगों को मिलवाऊंगी, लेकिन वो जैसे ही घर लौटी तो उसके सर में तेज दर्द था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। तो हम जूनागढ़ का प्लाट देखने कब चले? ये क्या हुआ?
I'm sorry. It's okay. अरे जरा इधर आना. जी, इनका भी नाम है. ये मेरी सॉरी, मुझे आपकी नौकरानी का नाम पता नहीं. माफ कीजिएगा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है. गोपी आइयां. ये है मेरी बहू गोपी. वो क्या है ना कि आपका मेरे दिकरे अहम के साथ अभी नया नया परिचय हुआ है ना, इसलिए आप उसे ठीक से समझ नहीं पाए हो. मेरे कहने का ये मतलब है कि अहम अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया. यकीन मानिए, अभी अभी उसने नाश्ता किया है, पर अगर आप उसे पूछेंगे कि उसने नाश्ते में क्या खाया तो उसे याद भी नहीं होगा. इसीलिए तो वो अपनी पत्नी से आपको मिलवाना भूल गया. उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि चाय और नाश्ता कौन रख के गया है ना. एम दिकरा, माफ कीजिएगा, आप लोग काम की बातचीत कर रहे थे और मैंने बीच में बाधा डाल दी. अहम दिकरा, अपने मेहमानों से गोपी का परिचय तो करवाओ. ये है मेरी वाइफ मिसेज गोपी मोदी. गोपी, ये है मेरे बिजनेस क्लाइंट मिस्टर देसाई. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. मिस्टर शाह. जय श्री कृष्णा भाभी जी. जय श्री कृष्णा. और ये है मिस्टर जॉन. सो मिसेज अहम, हाउ डू यू डू? Your house is just beautiful. Yes. So how do you do? No. भाभी जी, मिस्टर जॉन आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. आप लोग बातचीत जारी रखिए, हमें रसोड़े में काम है. चाल गोपी वाह. dum dana 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 dum
साथ में।